मैंने खुद नोटिस किया है, जब से जवार यहाँ आया है अनीला के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ गई है। मैं आपने बुलाया? आ जाओ यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। लगता है कुछ ही दिनों में अनीला से बहुत दोस्ती हो गई है। जी अम्मी, वो बड़े होकर बहुत समझदार हो गई है और शी इज अ लॉट ऑफ फन। तो फिर बात करूं इलियास और हलीमा से? बहुत अच्छी बात, खुशी की बात। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। एक एक करके सब को जाना होगा इस घर से, क्योंकि यहां सिर्फ मैं और तुम रहेंगे, बस हम दो। पता नहीं कैसे आनन फानन हो गया सब कुछ तय। भाई हलीमा, जो जोड़े आसमानों पे बनते हैं ना, वो यूं ही आनन फानन तय होते हैं। अब फराज और समीन का रिश्ता भी तो यूं ही तय हुआ। अच्छा ये बताओ, बहुत हो गई, अब बहू को कब ला रही हो घर? अब मुझे लगता है कि अब हमें शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए, है ना? अरे तो मैं कब देर करने वाली हूँ? वैसे भी असमंद के जाने के बाद इस घर में खुशी का कोई तो मौका चाहिए था ना। अब अपनी बहू को साथ ही लेकर जाइएगा। नहीं आपा, इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी? थोड़ा वक्त तो देना, बेटी ब्यानी है हमने। अरे हो जाएगी तैयारी, हो जाएगी। मैं तो इस जुमे का सोच रही हूँ, लेकिन इलियास से बात हो जाए पहले। हाँ ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। अब समीन तो आएगी ना शादी में? पता नहीं आपा, ये डिसीजन तो फराज का है। उल्लू की दुम है ये सब भी। खुशी के मौके पर भी उस मनहूस का नाम लेने से पास नहीं आते। हरीम जी, इधर आओ मेरे पास। पास आओ ना। ये किस लिए अम्मी जान? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज से पहले मुझे तुमसे जितनी शिकायतें थी ना, सब खत्म हो गई। जाने से क्यों बोल रही? अनिला मेरी छोटी बहनों की तरह है, ये सब करना मेरा फर्ज था।